हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कि यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी में, लेकिन ध्यान देना अदर फैक्टर जो है वो मेरे कॉन्स्टेंट होने चाहिए। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सिट्रस पैराबस। की एग्जाम्पल, मैं 100 रुपया कमा रहा था, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही होता, ठीक है। तो ये नियम तभी अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, नियम क्या, जैसे ध्यान दो, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी डिमांड कम कर देता हूँ, और प्राइस अगर सस्ती हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज की डिमांड बढ़ा देता हूँ। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल से देख सकते हो कि जब किसी चीज की प्राइस 100 थी तो मैं 500 परचेस कर रहा था, जैसे ही प्राइस 200 हो गई तो मैं कितना ले रहा हूँ, 400। प्राइस 300 हो गई तो मैं कितना ले रहा हूँ, 350। प्राइस 400 हो गई तो मैं कितना ले रहा हूँ, 200, है ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, उस वैसे मैं क्वांटिटी की डिमांड क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्या है, आपका इनवर्स रिलेशन हो रहा है कि एक चीजें बढ़ रही, दूसरी चीजें घट रही है। आई होप लॉ ऑफ डिमांड क्लियर होगी। इस तरह से डायग्राम बनता है इसका, ठीक है।